आठवां पॉइंट, आपको अब राइटिंग करना है। अगर ये पहले का जमाना होता तो मैं कहता था कि आप डायरी लिखिए सिर्फ, ठीक है, रोज की डायरी, सुबह से उठ के रात तक आपने क्या किया। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि मैंने मेरे जीवन में हर साल ये रिजोल्यूशन कर लिया 1 जैन को कि मैं डायरी लिखूंगा, एक या दो दिन से ज्यादा नहीं लिख पाया। तो आप भी ये मत सोचिए, वो लोग ही अलग होते हैं कि जो जीवन भर डायरीज लिखते हैं, वो अलग किस्म के लोग होते हैं। शायद आप उनमें से ना हो, लेकिन कम से कम 10 दिन तो आप तो लिखनी है, कम से कम 10 दिन आपको आपकी डायरी लिखनी है। राइटिंग डायरीज प्लस, यहां पे मैं एक एडवांसमेंट करूंगा कि वॉइस डायरी भी लिखिए। वॉइस डायरी लिखिए मतलब इट्स अ वॉइस डायरी, वेरी सिंपल। मोबाइल पे आपके पास रिकॉर्डिंग फैसिलिटी होती है, आप ये लिखेंगे, 10 दिन आप डायरी लिखेंगे और फिर आगे के 10 दिन आप डायरी बोलेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। आई वोक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, देन आई वेंट फॉर बाथ, वॉट एवर इट इज, जो कुछ भी है आपके दिन भर में क्या हुआ। अभी इसका टाइम टेबल मत लिखिए, सी डायरी इज नॉट अ टाइम टेबल, ओके। बहुत सारे लोग ऐसे डायरी लिखते हैं, सुबह 5:30 बजे उठा, 5:45 को मैंने ब्रश किया, फिर 6 o'clock को बाथरूम गया, 7 o'clock को ऑफिस निकला, फिर 7:15 का बस पकड़ा। दिस इज अ टाइम टेबल, डायरी इज नॉट अ टाइम टेबल। आपको आपके विचार लिखने हैं, आपके मन में क्या, फिर उसने क्या बोला, वो क्या, फॉर एग्जाम्पल जो भी घटनाएं आपके उस दिन में घटी है, उस घटनाओं को आपको लिखना है आपके डायरी में, और फिर आपको बोलना भी है, वॉइस भी देना है आपको। 10 दिन आप डायरी लिखोगे और 10 दिन आप वॉइस दोगे, सिर्फ रिकॉर्ड करोगे आपके मोबाइल के ऊपर, और रिकॉर्ड करने के बाद उसे फिर से सुनोगे। जैसे आप ही के आवाज को सुन रहे हो तो आपको खुद पता चल जाएगा आपने कहां गलती की है, और आप उसे जरूर सुधार लोगे। अब इसके लिए तो किसी फ्रेंड विंड की जरूरत नहीं होती है, ना तो अननोन पर्सन के लिए आपको किसी फ्रेंड की जरूरत है,